हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक झोंक भरी छोटी सी दुनिया में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग किसी नए बंदे पे प्रैंक करने वाले हैं, जो कि है मिसबा, जो कि हमारी नेबर बन चुकी है। गाइस, तो गाइस आप लोगों ने देखे रहोगे कि आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, कि कभी भी घर में कुछ सामान खत्म होता है तो हम उनसे हेल्प मांग लेते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो गाइस आज मिसबा को हम लोग ऐसे ही परेशान करने वाले हैं पूरा दिन। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, घर में मुझे कुछ भी खाना हो, भले मेरे पास अवेलेबल, मैं जाऊंगा मिसबा के पास, बोलूंगा कि नेबर मुझे हेल्प चाहिए, मेरे घर में ये खत्म हो गया, प्लीज मुझे दो। तो गाइस देखते हैं कि वो कितना इरिटेट होती है हम लोगों से। निदा गई है नहाने और मुझे पता चला है कि मिसबा भी आज डीमार्ट जा रही है घर की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि नया घर लिया तो घर में सब सामान भरना है। नया सामान आ रहा है तो हमारे घर में भी बहुत सारा सामान आया। गाइस बहुत मजा आने वाली है, एंड तक देखना वीडियो को। तो गाइस घर रेनोवेट करने के लिए हम लोगों ने कारपेंटर को बुला लिया। निदा बता रही है हमें क्या डिजाइन चाहिए क्या नहीं, और यहीं पर हम लोग लेबर चार्जेस पता कर लेंगे, क्योंकि गाइस हम लोग सामान हमारा खुद लाएंगे, यहाँ पर खाली लेबर से काम करवाएंगे, हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, डिजाइन हमारी खुद की रहेगी, माल हमारा खुद का रहेगा। तो गाइस वो सस्ता भी पड़ता है, और गाइस हम लोग आप लोगों को बताएंगे भी आप लोग अपना घर रेनोवेट कैसे कर सकते हो सस्ते में, सब बताएंगे। गाइस बहुत काम बाकी है, भी बहुत फायदे वाली चीजें होने वाली, आपके साथ में व्लॉग्स देखते रहिए डेली, एक भी व्लॉग मिस नहीं करना। डेली व्लॉग में कुछ ना कुछ मैं सेगमेंट डालूंगा इंटीरियर का, ठीक है गाइस। सो गाइस हमारे रेनोवेशन का काम जो है वो फाइनली कंफर्म हो चुका है, हम लोग काम पर कारपेंटर बुक कर चुके हैं, अभी बस निता यहाँ पर बैठ के कैलकुलेशन कर रही है कितना खर्चा क्या जाने वाला है, क्या क्या लगने वाला है। और गाइस मुझे भूख भी बहुत लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं। तो चलो अपना जो प्रैंक है वो स्टार्ट करते हैं। तो खाना खाने वाला, उसके लिए खाना खाने के लिए मुझे चाहिए थम्स अप। तो चलते हैं मिसबा के घर पे, पूछते जाएंगे उसे थम्स अप, उसके पास है या नहीं, कुछ नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो उठा के लेके जाऊंगा मैं गाइस। सो गाइस फाइनली मैं मिसबा के घर पे आ चुका हूँ, हमारी जो नेबर है मिसबा। मिसबा यार हम लोग खाना खाने बैठ ही रहते हैं, मैं सोचा कि तुम्हारे घर से तुम नेबर हो मेरे, कुछ थम्स अप वगैरह कुछ पीने के लिए ले लूं मैं। यार क्या क्या है तुम्हारे, बताओ जरा, देखूं। देख लो किचन में कचरा है, फ्रीजर। अरे बाप रे बाप, माशाल्लाह हरा भरा फ्रीजर है तुम्हारा, तो थम्स अप वगैरह है क्या? हाँ है। थैंक यू यार मिसबा, मुझे पता था तुम हमेशा से अच्छे ही हो, तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। गाइस झूठ नहीं बोलूंगी, थम्स अप की थैली पे केक भी इसी ने लगाया था। नहीं मैं खा के जितना चला गया था, मैं चला चलो। थैंक यू सो मच मिसबा, मैं आता हूँ खाना वाना खा के मिलता हूँ तुम्हारे से, ठीक है? सो गाइस मैंने मिसबा से थम्स अप ले लिया हूँ, अब मैं 5 मिनट बाहर रुकता हूँ, 5 मिनट बाद फिर जाऊंगा अंदर और बोलूंगा मिसबा थम्स अप के लिए ग्लास भी चाहिए, ग्लास भी दो ना यार, ग्लास लेके भी ऊपर जाऊंगा मैं, रुक जाओ अभी। सो गाइस 5 मिनट हो गए, चलो चलते हैं मिसबा से ग्लास मांगने के लिए। मिसबा यार ग्लास भी चाहिए यार, दे दो ना प्लीज, ग्लास भी दो थोड़ा सा। नहीं है ना मेरे घर पे, तभी तो मैं यहाँ मांगने आया हूँ। दे दो ना मिसबा ग्लास भी, दे दो, ऐसा मत करो यार प्लीज। माफ किया, साफ ग्लास देना प्लीज, अल्लाह के वास्ते। स्टील का नहीं, कांच का, तो मिसबा स्टील ही ला सकूंगा मैं, कांच का चाहिए मेरे को। देखो तुम्हारी वजह मेरी प्लेट भी अटक, देखो अच्छा ना, मैं आया तुमको मालूम पड़ा ना, प्लीज यार कांच का ग्लास दो मिसबा, अच्छा वाला साफ सुथरा एकदम धो के। मैं क्या परेशान कर रहा हूँ तुम्हारे को? हाँ थैंक यू, इसे ऊपर रख दो इसके। यस लाइक दैट, थैंक यू ब्रो। अब नहीं आना, आई विल बी बैक। अब खाली आना तो बैठने आना, ठीक है? निदा मैं अपने पड़ोसी के यहाँ से थम्स अप और कांच का ग्लास लेके आया। कांच का ग्लास हमारे घर पे है, मेरे को मालूम है, लेकिन इसको इरिटेट करने का अपने को आज। अच्छा, को निदा तुम क्या समझे, वही ना बोले अब नहीं आना, बोले आओगे तो खाली बैठने आना, कुछ मांगने नहीं आना। अभी तो उसको बहुत परेशान करूंगा, नहीं तो देखो खाली तुम्हारी, तुमको क्या क्या चाहिए बोलो, सब लाके होनी चाहिए, जैसे डीमार्ट से आज शॉपिंग करके आई है, तुमको जो भी चाहिए खाली आवाज करो, सब मिल जाएगा तुम्हारे को। वैसे तो ऑलमोस्ट अपने घर में भी है सामान, बट मैं थोड़ा देर रुक जाओ खाने के बाद सब। अच्छा चलो खाने के बाद तुत्ती मांगने जाऊंगा उससे मैं, चलो तुत्ती लेंगे पूजा के। निदा खाने में सिर्फ यही है क्या, भाजी और खिचड़ी? अंडा बना दो साथ में अनिदा, अंडा अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मिसबा आई एम बैक। कैसे मिसबा, बहुत दिन बाद दिख रहे हो। दरवाजा बंद करो। मैं क्या बोला मिसबा, बहुत भूख लगी, थोड़ा अंडा खाने का मन कर रहा है, थोड़ा दो अंडे दे दोगे तो अच्छा रहेगा प्लीज। हमारे अंडे खत्म हो गए। हाँ यार घर पे अंडे जरा खत्म हो गए यार, ये फायदा बोल रहा है। अभी तो परेशान वाला अंडा, ये अंडा, अरे अंदर से दो रहे पगली, प्लीज बहुत भूख लग रही है, मालूम लाओ यार मिसबा थोड़ा अंडा दे दो यार, गरीब को थोड़ा मदद कर दो मेरी, दो अंडे। सच बताना तुम देखे, मैं डीमार्ट से सामान लेके आया हूं। ने बोल दीजिए मिसबा डीमार्ट गई है, भाई देखो फुल डीमार्ट का सामान आया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच मिसबा, आता हूँ मैं खा के तुमको दुआ दूंगा, मेरा पेट तुमको दुआ। तुम छोड़ोगे अल्लाह मेरी, अल्लाह सॉरी 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 सॉरी, आ रहा हूँ। निदा तुम्हारे हस्बैंड ने हमारे नेबर से दो अंडे ले आया। चलो अंडा बनाओ, हम अंडा खाने का मन कर रहा है। और कुछ खत्म हुआ है घर में बता दो, मुझे अभी लेके आता हूँ मैं। नहीं अभी तक तो कुछ खत्म नहीं है, अभी जैसे जैसे तुम खाने की डिमांड करोगे, कुछ मांगोगे तो बताऊंगी। ओके ओके ओके
सो गाइस ये रहा हमारे पड़ोसी का अंडा, ये रहा पड़ोसी का कोक, और ये रही मेरी वाइफ। ठीक है, अभी खाना खाने के बाद मैं जाता हूँ उससे टिश्यू मांगने और उससे टूथपिक मांगने, फिर देखते उसका रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना हो चुका है और अभी मैंने हाथ धोया नहीं। मेरे में सोच रहा है यही हाथ लेके नीचे जाऊँ, मिस भाई घर पर बोलूंगा मिस बार टिश्यू तो मेरे घर पे टिश्यू खत्म हो गया, मैं हाथ पोंछने आया हूं गाइस, और फिर उसका रिएक्शन देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होने वाला। निदा माया नीचे से जरा। सो गाइस मिस भाई घर पे पहुंच चुका हूं मैं, हाथ थोड़ा गंदा है। हाय ब्रो कैसे हो भाई? इस बार थोड़ा टिश्यू चाहिए यार, हाथ धोने घर पे टिश्यू खत्म हो गया मिस भाई, प्लीज जरा टिश्यू दे दो मेरे को। टिश्यू? अरे ये क्या कर रहे हो, टिश्यू तो पकड़ो पकड़ो टिश्यू तो थोड़ा। अरे इधर टिश्यू कहाँ जा रहे हो? थोड़ा बहुत काम बचा, फटाक से काम बचा के आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ भाई अगर मिसबा नहीं होती तो मेरा क्या होता था यार, कसम से तुम आए और मेरी हेल्प हो गई। सोचो हम लोग का भी घर होता तो यहाँ पर कितने मजा आते। घंटी बंद करके रखती और या इंटरकॉम से देखती, तुम लोगों को खोलती नहीं। चलो इस बार आता हूँ मैं फिर से, आओ मिलता जाओ। जाओ। फिर से नहीं मतलब मैं जा रहा हूँ ऊपर कैरम खेलना हूँ। ठीक है, यस यस ओके बाय बाय। मजा आ गया, वो टिश्यू चाहिए क्या? नहीं लो इस बार घर का टिश्यू नहीं चाहिए। लो तुम्हारे। तो बस लीजा ऐसी बड़े बड़े मुझे बोर हो रहा है और मेरे को ऐसा है ना कि खाने के बाद मुझे थोड़ा मीठा खाने का मन करता है। अपने पास कुछ है क्या मीठा? होगा तो अभी बताऊंगा, मैंने चीज आके लेके आता हूँ इस बैग से। ठीक है, आई विल बी बैक गाइस। अस्सलाम वालेकुम। खाने के बाद इंसान को मीठा लगता है, नहीं लगता है? लगता है ना। तो बस मैं खाली चॉकलेट मांगने आया हूँ, बहुत मन कर रहा है मिस बार का चॉकलेट खाने का। थोड़ी सी देखो अपने घर में खाने का मजा अलग रहता है, चीज़ तो मैं थोड़ी बचा के लेके आ जाऊंगा। चलेगा? हाँ चॉकलेट दे दो प्लीज। अरे फ्रिज क्यों बंद करो, रुको तो सही, देखने तो कुछ और है कि नहीं, ये दे दो मेरे को। कुछ नहीं, दूध बताओ है। कुछ है क्या, कुछ अच्छा लग रहा है? और इस बार कितने मसाले लाते हो तुम यार, डीमार्ट से खाली मसाले खरीदते हो और कुछ खरीदते नहीं हो? अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, कैरम खेलूंगा तो चाय पिलाओगे क्या? दूध दिख रहा है यहाँ पर मैं। हाँ, हाँ, पिला दूँ। परेशान मत करो। थैंक यू यार मिस बा। ये वही पड़ोसी है जो घर रोज आकर परेशानी उठा दे सर ये ऊपर। भाई जो पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं है वो कैसा पड़ोसी बताओ। सही बात है या नहीं? सुनो 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 मैं बताती हूँ, तुम बोलेंगे ना रिंग रिंग सर्वलिंग वाला, उसमें शांति आंटी अभी भी ना खाली अंडा। कुछ तो फायदा हो रहा है। फिर इतनी बड़ी चॉकलेट दिया मिसबा ने यार, इस चीज का बदला लिया जाएगा। बस क्या बच्ची तुम्हारे लिए जान हाजिर कर दूंगा मैं, तुम चॉकलेट की बात कर रहे हो क्या यार? छोटी मोटी चीज नहीं मांगी जाएगी। तुम्हारे घर में क्या मांगा, तुम्हारे घर में तो सब भरा हुआ ही रहता है। फिर माशाल्लाह इसी घर में सब बरकत रहे, इसके लाओ लाओ मेरे को दो और अपने घर ले जाओगे। चलो मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ अपने काम की चीज। चलो मैं मिलता हूँ कैरम खेलने। मैं तो सिर्फ प्रोटीन मांगू। प्रोटीन? हाँ जिम वाला बंदा भी घर में, बोलो प्रोटीन भी खा सकते कभी भी। चलो ठीक है, मिस भाई हमारी खर्चा धरते हैं, इसने मेरे को बीसी डबल भी दिलाई। सॉरी मिस मैंने तुमको फंसा दिया, मुझे पता नहीं तुमने लोग को बताया नहीं तुमने मेरे को बीसी डबल दिलाया। हाँ लोगों को मालूम पड़ा, बता दिया मैंने। तुम हारे हो कैरम में तो खिलाओगे ना, पर अगर आज तुम खिलाओगे मैं उसी लिए आऊंगा कैरम खेलने। ठीक है चलो आता हूँ। निदा, yes, I got it. वाह, वाह मेरे शेर, वाह, क्या सोना चांदी चमनप्राश लिखा तुम्हारे लिए निदा। लेकिन क्या मजा रही, वो जो इरिटेट हो रही है निदा, बार बार घंटी मार रहा हूँ, बार बार परेशान करो, मिस बा ये चाहिए मिस बा वो चाहिए। खोलेगी मैं जाऊंगा अभी, कुछ ऐसी चीज मांगनी पड़ेगी ना जो दरवाजा नहीं खोले, मैं बाहर से मांगू और मुझे बाहर से दे दे। ऐसी कौन सी चीज रहेगी? मतलब ऐसी चीज, अरे मतलब क्या, मतलब क्या, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसको देना ही पड़े। दवा, दवा का बोल के कुछ और मांगता हूँ, क्या बोलते? लूज मोशन हो रहा है तुम्हारे टॉयलेट में, टॉयलेट करने का मेरे को ये मजा आएगी। मजा आई, मजा आई। सब चल के ये ट्राई करता हूँ, आराम से बैठ के थोड़ा। ओहो हो
पूरी चॉकलेट खत्म कर दी सूफी तुमने तो, और कैसा खा रहे हो, नीचे अगर गिरा है ना जरा सा भी तो देख लेना फिर। हाँ मेरे को पता था तुमने गिराए रहोगे, मेरे को पता था। उधर क्या रख रहे हो उठा के, टिश्यू पेपर में रखो। नहीं 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 तो गाइस अच्छा है ऐसा, अगर पड़ोसी रोज तुम अगर ऐसा मिसबाह को परेशान करो तो मैं तो कितनी सुकून से रहूंगी। बिल्डिंग छोड़ के भाग जाएगी वो पागल। तो गाइस अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, कम से कम 25-30 मिनट हो गया हम लोगों को मिसबाह के लास्ट घर से आते हुए। अब बारी है गाइस मेन बम फोड़ने की, जो की है टॉयलेट वाला बोलने का। निधा क्या बोलना है नीचे जाके? यही बोलना है कि सुफियान घर में टॉयलेट करता है तो बहुत स्मेल आती है, इसलिए मैंने बोली यहाँ पे टॉयलेट नहीं करना, तो ये तुम्हारे यहाँ पर करना है। अगर पूछेगी तो वरना मैं सब हैंडल कर लूंगा, उसको परेशान करने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है चलो गाइस हमला बोलते हैं। चलो नीचे अपन टॉयलेट करने जा रहे हैं, फोटोशूट करने नहीं जा रहे। कितना टाइम लगा लो रेडी होने में तुम यार? अरे तो नीचे भी जा रहे तो अभी क्या होगा, थोड़ा चलो जल्दी बन के जाओ, प्रेशर आ रहा है मेरे को। सो गाइस फाइनली मिल पा गया, पर हम लोग आ गए लास्ट वाला करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इस बार अकेले नहीं आया मैं, साथ में हाँ कैरम खेलूंगा भाई। नहीं यार मिस बात को ऊपर मेरा बहुत खतरनाक मैटर हो गया है, ऊपर मेरे को आई थी टॉयलेट, मैं सुबह से खाया मैं टॉयलेट नहीं किया, तो इसने क्या बोली घर में टॉयलेट नहीं करना बहुत स्मेल आती है। अरे ब्रो इसको लूज मोशंस हो रहे, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज है, बाहर तक आ रही है। मैं बोली घर में नहीं करना भाई, बहुत बासम बात। मैं बोला एक ही बंदा है जिसके घर में मैं कर सकता हूँ, वो है मिस बात। थोड़ा जोर से आ रही है मेरे को, प्लीज मिस बात थोड़ी देर करके फटाक से। मैं क्या बोलती हूँ कर लो, बाजू में हर पी के साफ भी करके जाना। हाँ कर लूंगा चलो ठीक है। इतनी मेहनत क्यों करो ऊपर नीचे, इतनी मेहनत मत करो तुम थक जाओगे। एक काम करो वहाँ पे एक और रूम है, वहाँ पे गद्दा बिछा दो। अरे बच्ची है तो मैं सोचा ही नहीं यार, क्यों तुम लोग ऊपर नीचे कर रहे हो? सोचा ही नहीं। एसी लाओ नीचे लगाओ, दूसरी वाली लाओ वो साइड लगाओ, पूरे घर में एसी। मैं तो क्या बोलता हूँ, दो दो घर में क्यों, एक ही घर में रह जाते हैं। फिर तुम लोग से बात करता हूँ, शिफ्ट करने की हम लोग की भी। ठीक है इधर कौन गया? दिशा ने घर में अंदर आना चला था। मिसबा बहुत जोर से आ रही है, मिसबा समझो यार प्लीज यार। मिसबा चलेगा, मैं टिश्यू से साफ कर लूंगा भाई। मिसबा बहुत जोर से आ रही है, प्लीज प्लीज यार। बहुत जोर से मैं चलेगा, टिश्यू से साफ कर लूंगा। बहुत जोर से आ रही है, इस बार हड्डियों निकल जाएगी, निकल रही मेरी। चलो आता हूँ, कड़ी मार दो यहाँ से। आवाज नहीं जाने लगता बाहर तक। अबे स्प्रे मार रही बाहर से। मैं मिसबा स्प्रे अगर क्यों मार रहा, इतनी गंदी नहीं छोड़ूंगा। अरे गाइस यहाँ से स्प्रे मार रही है, देखो यार खांचे में से स्प्रे मार रही है। खुशबूदार हो गया पूरा वॉशरूम तुम्हारा मिसबा। हर जगह से स्प्रे मार रही है, तो का डेडिकेशन तो देखो, खड़े रह के ऊपर मार रही है स्प्रे, ऊपर से भी मार रही है। सब समझ आ रहा है। तुमको पड़ोसी बनना था, तुम बन गए, बस उसका मजा चखा रहे हम। मुझे उसके अंजाम नहीं पता था। तुम सुफियान के पड़ोसी बने हो गाइस। अच्छा ये एक फ्लोर पे नहीं है। चारों तरफ से ऐसे घेरा कर दिए गाइस परफ्यूम का। तुमने अपने सर की बला मेरे घर भेजे हो। हो गया, मैं आ रहा हूँ। आहा हा 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 मजा आ गई। मिस हल्का मेरी दांत बंद है गाइस, इतना हल्का। अच्छा बंद तो करो, करो। थैंक यू यार मिस बात, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता था। निदा तो करने दी नहीं, 10 मिनट तक यहीं पर खड़ी थी बेचारी, जब तक मैं पॉटी कर रहा था। कितना डेडिकेशन है, देखो। देखे अपने घर से प्यार बोलते उसको निदा सुनते। थैंक यू अरमिस बात, थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर चाय। क्या बोल रहे हैं मेरे को तो दोस्तों ना, सबसे उसको ही दे रहे हो, कुछ दो ना यार मीठा मीठा खाने के लिए। उसने पूरी कैडबरी खा गया, वो ही दो। क्या बात है। अरे निधा वैसे भी डीमार्ट से पूरा सामान भरा हुआ, चेक करते हैं क्या बात है, बोलो खोल के। नहीं नहीं हम भी जाने वाले डीमार्ट। उस दिन आऊंगी मैं कमोलिका, दहशत फैला रही हूँ अभी से गाइस, दहशत। देखो निधा उसको कुछ परेशानी नहीं होगी, मैं आऊंगी तो परेशानी तुमको। लगता है नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे ब्लॉग में आने वाला है।
गाइस दहशत देख रहे हो आप ना, बदला लिया। हाँ नीता तुम पहले टीवी देख लो, एक काम करो। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं मिसबा को परेशान करके। गाइस आप लोगों ने देखा है कैसा एक नेबर को परेशान करता है। गाइस अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नेबर है या आप किसी की लाइफ में ऐसे नेबर हो तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस लव यू, अल्लाह हाफिज। Thank you.